यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आरव राठी। और क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया जब ब्रिटिश आई कैसे आई, क्यों आई, किस मकसद से आई और क्या करके गई? तो आज के वीडियो में हम वही जानेंगे। तो शुरुआत होती है वास्को डा गामा से। वास्को डा गामा वही आदमी है जिसने इंडिया के लिए सी रूट ढूंढा था। तो अब वास्को डा गामा ने सी रूट ढूंढा, तो अब सारी कंट्रीज से लोग आए इंडिया में ट्रेड करने। इंडिया तब गोल्डन बर्ड कहलाया करता था, और इंडिया में तब स्पाइसेस, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सब भर भर के पड़े थे और अच्छी क्वालिटी में भी थे। तो यूरोप के 5 कंट्रीज आए इंडिया में ट्रेड करने, जो थे ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, डैनिश और फ्रेंच। तो अब ये 5ों कंट्रीज आए इंडिया में, अपना ट्रेड चालू किया। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो सब सही चलता गया। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटिश को, ब्रिटिश की जो कंपनी थी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको एक एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट की, जिसमें इंग्लैंड की कोई भी कंपनी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपीट नहीं कर सकती। तो अब इसके बाद 1612 में ब्रिटिश ने सूरत में अपना पहला फैक्ट्री लगाया, और फिर अपना जैसे जैसे प्रॉफिट आता गया उसने अपना एक्सपांड करता गया। तो बाद में उसने मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे, ये 3 जगह में भी अपनी फैक्ट्रीज लगवाई। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब 5-5 नेशंस एक ही साथ इंडिया में ट्रेड करने आए, तो उसके वजह से प्रॉफिट जो था वो कम होने लग गया, क्योंकि अब 5-5 कंट्री एक ही प्रोडक्ट लेने आए, तो प्रॉफिट तो ऑफकोर्स हर कंपनी के पास इक्वल और कम ही होगा। तो अब अपना ट्रेड मोनोपोली जमाने के लिए सारे जो कंट्रीज के कंपनी हैं वो आपस में लड़ने लग गए। जिनके पास गवर्नमेंट सपोर्ट था वो तो अपनी खुद की आर्मी लेके आए और अपने अपोनेंट्स को बाहर फेंक रहे थे। तो इन द एंड सिर्फ ब्रिटिश और फ्रेंच इंडिया में आज तक की प्लेयर्स बने हैं, और डच, डैनिश और पोर्चुगीज, ये तीनों को इंडिया से बाहर निकाल दिया गया। अब ब्रिटिश ने फिर बाद में, मतलब जैसे जैसे अब प्रॉफिट बहुत सारा गेन होने लगा, फिर वो धीरे धीरे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफियर कर रहा था। और औरंगजेब की डेथ के बाद ब्रिटिश को ये एकदम अच्छा मौका लगा कि बंगाल बंगाल जाके अपना अपना काम करो, क्योंकि बंगाल तब इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था। उसके बाद में एम्परर फिरूक सियार, जो औरंगजेब के वन ऑफ द सक्सेसर्स थे, उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जो के लिए जो टैक्सेस भरना पड़ता था, जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, कस्टम ड्यूटी टैक्स, वो हर एक ट्रेडर को भरना पड़ता था ताकि वो ट्रेड कर सके अपनी कंट्री के साथ। मतलब अब जैसे हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब वो इंडिया और ब्रिटिश ये 2 जगहों से ट्रेड आता जाता था। तो अब इसके लिए वो सी रूट्स का इस्तेमाल करते थे, पर अब वो सी रूट्स और शिप्स वगैरह को यूज़ करने के लिए उनको गवर्नमेंट को टैक्सेस भरना पड़ता था, जो कस्टम ड्यूटी टैक्स था। तो फिरुख सियार ने उनको ये टैक्स भरने से मतलब एज अ कह सकते हैं फ्री दे दिया कि अब तुम फ्री में अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी चालू किए, और वो प्राइवेट ट्रेड में वो कस्टम ड्यूटी टैक्स नहीं भर रहे थे, क्योंकि भाई कंपनी को ग्रांट हुआ है, तो अब वो लोग क्यों अपना पैसा वेस्ट करें टैक्स वैक्स में। तब वो कंपनी के नाम से अपना प्राइवेट ट्रेड चलाते थे, जिससे बंगाल का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नुकसान हुआ। तो उसके बाद में अलीवर्दी खान, जो वन ऑफ द नवाब था बंगाल का, उसने 2 शर्तें रखी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर वो शर्तें मानी तो वो ट्रेड जैसे कर रहे थे कर सकते थे, और अगर वो शर्तें नहीं मानी तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से जाना पड़ेगा। अब वो 2 शर्तें थी। सबसे पहले कि अब वो कंपनी ने जितने भी अपने फोर्टिफिकेशंस लगाए हैं, अब वो फोर्टिफिकेशंस को अपने एक्सटेंड नहीं कर सकती थी, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो प्राइवेट ऑफिशियल्स अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, वो प्राइवेट ट्रेड में उनको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी को जो राइट दिया है कि भाई डू नॉट पे द कस्टम ड्यूटी, वो राइट छीन लिया जाएगा और पूरी कंपनी को कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो अब ये 2 कंडीशन ब्रिटिश तो मानने वाली थी नहीं, तो उन्होंने कुछ मानी नहीं। तो उसके बाद 1756 में सिराज उद दौला, वो नवाब बने बंगाल के। अब वो सिराज उद दौला तो
ऐसे वार्निंग वार्निंग नहीं, वो तो सीधा एक्शन दिए। स्टार्टिंग में उन्होंने एक वार्निंग दी थी, उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था कि अपने फोर्टिफिकेशन हटा दो, पर उन्होंने कुछ सुनी नहीं। उसके बाद सिराजुद्दौला गए उनके फैक्ट्री पे और वो फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया, पर बाद में ब्रिटिश ने अपने री इन्फोर्समेंट्स ला के वो फैक्ट्री को रिकैप्चर कर लिया। पर अब ये इंसिडेंट होने के बाद ब्रिटिश को लगा कि भाई अब ये सिराजुद्दौला अपने नाक में दम करेगा, तो अभी हमें इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, इसके लिए हम कोई दूसरा नवाब चुनते हैं। और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का आर्मी का कमांडर इन चीफ था, उसको चूज़ किया नवाब बनने के लिए। तो ये सुनने के बाद सिराजुद्दौला तो बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने एक जंग ही छेड़ दी, जो इंडिया वर्सेस ब्रिटिश का पहला बैटल था, जिसका नाम आप सब जानते ही होंगे, वो था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो कमांडर इन चीफ था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला की आर्मी का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, उसने तो भाई युद्ध में पार्ट ही नहीं लिया। और जितनी भी सिराजुद्दौला की आर्मी थी जो मीर जाफर को लॉयल थी, उसने भी पार्ट नहीं लिया। और जो बंगाल का जो रिचेस्ट बैंकर था, जो था जगत शेठ, उसने भी सिराजुद्दौला की हेल्प करने से मना कर दिया। तो अब सिराजुद्दौला के पास इतनी सी आर्मी और ब्रिटिश के पास इतनी बड़ी आर्मी, तो रिजल्ट तो ऑफकोर्स था कि सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, और मीर जाफर को उन्होंने एज अ गोल्डन सैक यूज़ किया कि भाई मीर जाफर के ट्रेजरी से पैसा निकालो, अपने जेब में रखो, पैसा निकालो, अपने जेब में रखो। तो ऐसा करते करते थोड़े ही टाइम में मीर जाफर की पूरी ट्रेजरी खाली हो गई, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के डिमांड्स पूरी करते करते। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सोचा कि भाई अब ये मीर जाफर अपने कोई काम का नहीं, पैसा नहीं खिला रहा, इसको हटा दो। और मीर कासिम, जो मीर जाफर का साला था, साला यानी मीर जाफर की जो पत्नी थी उसका भाई, छोटा भाई, उसको साला कहते हैं, तो उसको रख दिया। मीर कासिम ने एज अ रिवॉर्ड ब्रिटिशर्स को बुरद्वाना, चिटागोंग और मिदनापुर, ये तीन डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू कलेक्ट करने दे दिया। मतलब ये तीन डिस्ट्रिक्ट से जितना भी टैक्स से रेवेन्यू आ रहा था, वो अब सीधा ब्रिटिशर्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाएगा। तो अब ये होने के बाद थोड़ी टाइम बाद मीर कासिम को ब्रिटिशर्स का रियल मोटिव पता चला, जो मतलब उनको क्या लग रहा था कि भाई ये सब ट्रेडर्स है जो अच्छे लेवल पे है, पर असल में वो नहीं था, उनको एक्चुअली इंडिया पे हुकूमत करनी थी। हाँ, पहले उनको ट्रेडर, पहले इंडिया में आए थे ट्रेडर की वजह से, पर अभी इतने वेल्थ और इतना पावर होने की वजह से उनमें यू नो ग्रीड आने लग गई इंडिया को कंट्रोल करने के। तो मीर कासिम को ये पता चल गया, तो उसने फॉरेन यूरोपियन एक्सपर्ट्स को बुलाया अपने आर्मी को ट्रेन करने के लिए, और उसने जितने भी टैक्सेस, जो एकदम प्रिविलेज राइट्स थी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वो सबको अबॉलिश कर दिया, ताकि ट्रेड इक्वल टर्म्स पे हो सारे कंपनीज के लिए। और बाद में वो अवध चला गया, और अवध में उसने शुजा उद दौला और शाह आलम सेकेंड, ये दोनों के साथ अलायंस बना के ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वॉर रखी, और वो वॉर थी बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ये तीनों की कंबाइंड आर्मी मिलाकर भी ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाई। और ये बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन हुई शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें वो ट्रीटी को नाम दिया था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जिसमें शुजाउद्दौला को अलाहाबाद और कारा, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स ब्रिटिश के हवाले करने पड़ेंगे, और साथ साथ में शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपीस एज वॉर डैमेजेस भी ब्रिटिश को देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 50 लाख रुपीस में थोड़ी ना कोई वॉर होता है, तो ये 17th सेंचुरी की बात है, जब कि 50 लाख रुपीस में शायद एक पूरा शहर आ जाता होगा, वो पता नहीं मुझे, नॉट श्योर, बट 50 लाख रुपीस तब के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते थे। तो और फिर बाद में मीर कासिम को भी अपने जो पोस्ट थी, मतलब नवाब की पोस्ट, उससे हटाकर फिर से मीर जाफर को नवाब की पोस्ट पर रख दिया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।